हमारे अगले मेहमान जो कि डीएम हैं बागपत से राजकमल यादव जी, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। सर सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई टीवी सेट का वॉल्यूम शायद वहां पर ऑन है, उसको आप थोड़ा स्लो कर लेंगे वरना ये आवाज इको होती है हमारे टेलीकास्ट पर। टीवी सेट तो हमारे यहाँ कोई नहीं है, बट लेट मी स्विच ऑफ सम फैंस और सम, या टेल मी, इज इट ओके नाउ? जी सर, सबसे पहले बागपत की इस वक्त वर्तमान स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एक्टिव केसेस फिलहाल कितने हैं और अब तक कितने पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मृत्यु दर किस तरह है? हमारे पास अभी वर्तमान में जनपद में 1931 एक्टिव केसेस और हमारे जितनी भी उपचार की व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद हैं। हमारे पास 511 बेड इस समय उपलब्ध, इसमें से 128 बेडों पर हम लोग पाइपलाइन ऑक्सीजन के साथ और करीब 116 बेड पर हम ऑक्सीजन सेंटर्स के साथ सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। साथ ही हमारे पास 36 ICU इन हाउस बेड हैं, 22 वेंटिलेटर्स हैं। किसी प्रकार की ऑक्सीजन की या किसी ऐसी प्रकार की समस्या यहाँ जनपद में नहीं है। जो हमारे केसेस इस समय हॉस्पिटलाइज हैं वो करीब 100 के आसपास लोग हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में इस समय स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो स्वास्थ्य लाभ लेकर और ठीक होकर वापस घर जा रही है। हमारा जो रिकवरी का प्रतिशत है लगभग 86-87% के बीच में है। तो एक अच्छी व्यवस्था देने का की कोशिश की जा रही है और लोगों की ज्यादा से ज्यादा सहायता करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त आपका आकलन क्या कहता है कि आप पीक से आप निकल चुके हैं या फिर अभी पीक आना बाकी है क्योंकि केसेस कम है लकीली यहाँ पर? देखिए पीक का के बारे में कहना क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही डोमेन एक्सपर्ट का प्रश्न है, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रशासनिक तौर पर और लोगों के बीच क्योंकि डेली का रहना और आना जाना रहता है, तो मुझे लगता है कि एक इन्फेक्शन जो है वो एक कंट्रोल्ड वे में है और जिस प्रकार से लोग अच्छा संयम बरत रहे हैं और जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स में इस समय एंट्री है या जो हमारी बेड्स की संख्या है उससे मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में हैं और अगर इस प्रकार से कोई भी चीज़ आगे आती है तो हम लोग उसको तैयार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और उसको अच्छे से टैकल किया जाएगा। सर हमारे दर्शक भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं और हमारे एक दर्शक हैं उन्होंने आपके लिए सवाल भेजा है तो मैं पढ़ देती हूं। उनका कहना है कि गांव गांव और घर घर जाकर जो आप रैपिड टेस्ट कर रहे हैं उसकी उन्होंने तारीफ की है, कहा ये बहुत अच्छा अभियान है, लेकिन साथ ही उन्होंने चिंता जताई है कि जो होम आइसोलेशन में है उनके लिए ऑक्सीजन की कमी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो डिमांड सप्लाई है उसको लेकर आप कोई अपडेट देना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल भी, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं और हाल ही में आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने हमारी जो तीन तहसीलें हैं तीनों तहसील में हमारे पास सफिशियंट नंबर ऑफ सिलेंडर्स है। कोई भी व्यक्ति हमें कल से हमारे पास लगभग 12 लोगों ने फोन किया है कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हम लोग तत्परता से अगर वो स्वयं नहीं आ सकते तो हम लोग सिलेंडर पहुंचाते हैं और अगर उनके घर से कोई रिसीव कर सकता है तो उसको सिलेंडर उपलब्ध कर दिया जाता है। तो ऑक्सीजन की इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है और मैं जो यूनिसेफ इंडिपेंडेंट सर्वे करता है उसमें भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बागपत का पिछले एक सप्ताह से लगभग 98, 99 और 100% का रिस्पॉन्स रहा है जिस भी पेशेंट से बात करी जाती है। तो ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना ही हमारे होम आइसोलेट जो पेशेंट हैं उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी है। हमारी एक पूरी डेडिकेटेड टीम डॉक्टर्स की इस जॉब पर रहती है कि उनसे लगातार टच में रहे, उनसे बात करती रहे, उनको कोई चिकित्सीय सलाह चाहिए, उसको चिकित्सीय उपचार चाहिए, कोई मनोवैज्ञानिक सलाह चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, तो इस पूरी प्रणाली को हम लोग अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारे होम आइसोलेट पेशेंट किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए वंचित ना रहें और हम उन्हें एक अच्छी व्यवस्था दे सके। कोई भी आवश्यकता हो उसको हम पूरा करते हैं और इसका मैं पूरी तरीके से दावा कर सकता हूँ। ग्रामीण इलाके इस वक्त एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं पूरे राज्य के लिहाज से क्योंकि पंचायत इलेक्शन भी हुए हैं और वैसे भी पलायन के कारण भी इन्फेक्शन गांव तक पहुंचा है, तो वहां पर किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, वहां कैसे 3T फॉर्मूले पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए ग्रामीण क्योंकि हम एक ग्रामीण प्रधान जनपद है और हमारा मुख्य जो है वो गन्ने का रहता है, तो उस गन्ने की खेती को हम लोगों ने अपना जो हमारी सबसे बड़ी कार्यकुशलता है उसको हमने अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाया हुआ है और गन्ने की खेती होने की वजह से आप समझती हैं कि हमारे पास लगभग 200 से 250 ट्रैक्टर्स और पावर स्पेयर्स लोगों ने हमारे साथ अभियान में जुड़े हैं हमारे साथ और हम किसी पावर स्पेयर्स और ट्रैक्टर्स को दिन रात इस्तेमाल करते हैं। केम सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का सोल्यूशन गाँव की हर गली हर नुक्कड़ हर वो क्षेत्र जहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है या गया है हम उस जगह को सैनिटाइज कराते हैं, तो एक बहुत बड़ा मैसिव सैनिटेशन ड्राइव चल रहा है। साथ ही हम लोगों ने जनपद में 381 टीम्स लगा रखी हैं स्वास्थ्य विभाग की जो घर घर जाकर जो लक्षण युक्त रोगी है उनका परीक्षण करती हैं, उनको मेडिसिन किट उपलब्ध कराती हैं। इसके अतिरिक्त अगर वो किसी भी तरीके से ये हम मान के चलते हैं कि अगर किसी भी कारणवश अगर 1% भी कोई ऐसा घर छूट गया है जहाँ पर ये दवाई नहीं पहुँच पाई है तो हमने जनपद में 11 डिफरेंट जगहों पर इनको उपलब्ध कराने का
की तैयारी कर रखी है। पहला, सबसे पहला हमारी जो पीआरवी की गाड़ियां हैं उनके पास ये है, हमारे सभी पशु चिकित्सालय, हमारे सभी गेहूं क्रय केंद्र, हमारे सभी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सालय, हमारे सभी सीएससी पीएससी सब सेंटर, ऐसी कोई भी चीज जहां पर ग्रामीणों जनता का आना जाना है, हम तहसील ब्लॉक इन हर सेंटर्स पर हम लोगों ने जो रिकमेंडेड मेडिसिन की टाइप उपलब्ध करा रखी है, कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है परिवार में अपने घर में किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति के लिए दवाई प्राप्त कर सकता है, उसको दे सकता है। हमारे कंट्रोल रूम में 12 लाइनें ओपन है, वह बता सकता है, अगर आवश्यकता पड़ती है हम उनको तत्काल अपने हॉस्पिटल फैसिलिटीज में शिफ्ट करते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की जरूरत है हमारी आरआरडी टीम्स जो है 200 की संख्या में है, हम लोगों ने एक सचल दल भी बना रखा है जिससे मोटरसाइकिल्स पर हमारे पास लोग रहते हैं, अगर बहुत तत्कालिकता रहती है तो वो तत्काल वहाँ पहुँचकर उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, और एक जितनी फास्ट मैकेनिज्म होती है उस तरीके से हम उस स्पॉट को, उस स्पोरैडिक केस को हम लोग कंटेन करने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी हैं, जिस वजह से हम हमारे केसेस के नंबर देख रहे हैं, और पिछले विगत एक सप्ताह में हमारा ट्रेंड जो है वो केसेस का कम होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि हमारे बहुत ज्यादा माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी में है, क्योंकि सीवियर पेशेंट्स जो हमारे हॉस्पिटलाइज लोग भी हैं उनमें भी बहुत सीरियस पेशेंट हमारे यहाँ नहीं है, और ज्यादातर लोग जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन थेरेपी से हम लोग उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। अगर किसी प्रकार से किसी ऐसी कोई समस्या आती है या एकाध कोई ऐसा आता है जिसको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, हम लोगों के पास पर्याप्त वेंटिलेटर है, और अगर फिर भी उन्हें L3 फैसिलिटीज पर भेज देने की आवश्यकता आती है तो हमारे मेरठ मेडिकल कॉलेज, हापुड़ में जो सरस्वती मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे हमारा बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पांस रहता है, तो हम लोग तत्काल अपनी ALS लगाकर उनको वहाँ उस फैसिलिटी में शिफ्ट करते हैं। पर इन जनरल जो हमारे एक्टिव केसेस हैं ज्यादातर लोग हिमाचल में हैं, फैसिलिटीज में इट्स अ गुड रिस्पांस कि माइल्ड और मॉडरेट केसेस ज्यादा है। बहुत शुक्रिया सर एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिन दर्शकों ने आपको सुना वो बागपत को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं, और यहाँ के डीएम हमारे साथ जुड़े राजकमल यादव जी, जिन्होंने ये दावा किया है कि यहाँ पर जो हालात हैं वो बहुत कंट्रोल में हैं। 1931 एक्टिव मामले फिलहाल पूरे बागपत में हैं, ज्यादातर ग्रामीण प्रधान ये इलाका है। करीब 100 कोरोना मरीजों का अस्पतालों में इस वक्त इलाज चल रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई और दवाइयों की सप्लाई यहां पर पूरी है। घर घर जाकर टेस्टिंग अभियान यहां पर चलाया जा रहा है।